हाय, मैं मोहम्मद राशिद और आज मैं इस वीडियो में प्रोसेस इंडिकेटर सिलेक्ट PIC 152 AVI के लेवल 0, जो एक इनपुट पैरामीटर है, उसको फुल्ली एक्सप्लेन करेंगे। PIC 152 में आपको सबसे पहले मोड बटन 3 सेकंड के लिए प्रेस करना पड़ेगा, जिससे आप को लेवल 0 के पैरामीटर में इंटर कर पाएंगे। जैसे ही लेवल 0 आपको ब्लिंक होते हुए दिखाई पड़ेगा, आपको फिर सिलेक्शन बटन पे, जब आपका लेवल 0 ब्लिंक होते हुए दिखाता है, आप अब जैसे ही सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट बटन पहले बार प्लेस करने से इनपुट दिखाएगा, फिर एक बार और प्रेस करेंगे आप, तब वो आप इनपुट के सभी ऑप्शंस में जा पाएंगे। यहाँ पे P100 दिखा रहा है ये, क्योंकि मैं पहले से P100 सिलेक्ट करके रखा हूँ। अगर आपको दूसरे ऑप्शन सब चाहिए तो मैं आपको आगे दिखाता हूँ और एक्सप्लेन भी करता हूँ कि सभी ऑप्शंस क्या क्या है और कैसे वो यूज़ करेंगे आप, उसकी वायरिंग कहाँ कहाँ पे होगी। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जब आप मूड बटन प्रेस करेंगे, आपको LUL.0, ये एक लेवल 0 दिखाएगा। फिर जब आप सेलेक्ट बटन प्रेस करेंगे तो आपको इनपुट दिखाएगा। अभी इनपुट में मेरा P100 सेलेक्ट था। इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप देख पा रहे होंगे, JYTRS, P100AU, वोल्ट एंड करेंट, ये सभी ऑप्शंस इनपुट में है। ओके, तो अभी करना ये है कि अगर आपको इनपुट में, पहले तो वो J दिखाएगा, लेकिन अगर आप जैसे ही अप एरो का बटन प्रेस करते हैं, ये सिलेक्शन बटन है, तो आपको JYTRS ये सभी ऑप्शंस आप बार बार प्रेस करके अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको पता ही होगा कि जे -200 से 750 डिग्री सेंटीग्रेड का RTD होता है, वाई टाइप होता है, टी टाइप होता है, आर टाइप होता है, एस टाइप होता है। ये एक्चुअली में RTD का टाइप है। मेरा टाइप, मैं जो सेलेक्ट करके रखा वो PT100 है, -100 से 850 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, ये सभी का वायरिंग आपको 3, 4 एंड 5 पे करना होगा। कुछ RTD 2 वायर होते हैं और कुछ RTD 3 वायर होते हैं। मेरा PT100 3 वायर है, इसलिए ये 3, 4 और 5 पे, यहाँ पे टर्मिनल ब्लॉक दिख रहा है डायग्राम में, आप ये 3 पे लगा सकते हैं। अगर आपका इनपुट मिली वोल्ट है, ओके, अगर किसी का इनपुट मिली वोल्ट है, तो उसके लिए उसको वायरिंग जो करना होगा वो 3 पे उसको मिली वोल्ट प्लस डालना है और 4 पे उसको मिली वोल्ट माइनस डालना है। ओके, अगर किसी का वो वायरिंग वोल्टेज है, इट मीन्स अगर किसी का इनपुट वोल्ट है, जो वोल्ट से वो टेम्परेचर मीटर को सिग्नल देना चाहता है कि कितना टेम्परेचर हुआ, तो वो वोल्ट का वायरिंग 2 पे लगाएगा उसका वी प्लस और 4 पे लगाएगा वी माइनस। इसी तरह अगर किसी का वायरिंग, इट मीन्स अगर किसी का इनपुट करंट है, तो उसका करंट का वायरिंग का प्लस वो 21 पे लगाएगा MA+। ओके, आप ये मैनुअल में भी देख सकते हैं कि 2 है वो वोल्टेज के लिए, 3 एंड 4 है दूसरे आई इनपुट, जो प्लस माइनस 2 वायर के थर्मोकपल RTD होते हैं। अगर मेरे पास PT100 है तो वो 3 वायर होता है, तो 3, 4, 5 पे लगेगा। अगर किसी का इनपुट एम्पेयर है, मिली एम्पेयर है, तो वो सिग्नल इनपुट 0 से 20 मिली एम्पेयर आप 21 पे लगा सकते हैं। ओके, ये इनपुट के बाद दूसरा ऑप्शंस जो डिस्प्ले में आपको दिखाएगा वो यूनिट है। यूनिट में सिर्फ 2 ही ऑप्शंस आएंगे, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट। ओके, मेरा मीटर अभी सेंटीग्रेड में सेलेक्टेड है। अगर आप उसे चेंज करके फ़ारेनहाइट में आप टेम्परेचर देखना चाहते हैं, तो आपको सिलेक्शन बटन जो मिडिल में है उसे एक बार प्रेस कीजिए, वो फ़ारेनहाइट में बदल जाएगा। वापस आप उसको एक बार प्रेस करेंगे, सेंटीग्रेड में आ जाएगा। उसके बाद आप उसे सेलेक्ट बटन प्रेस करिए। जब ये टेम्परेचर यूनिट का ऑप्शंस के बाद दूसरे ऑप्शन जो आते हैं वो रेजोल्यूशंस आते हैं। रेजोल्यूशंस क्या है, अगर आप टेम्परेचर को, मतलब
1, 2, 3, 4 इस तरह से देखना चाहते हैं, मीन्स कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू या पॉइंट वैल्यू में देखना नहीं चाहते हैं, तो आप उसे रेजोल्यूशन को 1 रख सकते हैं, और अगर आप उसे 0.1 किए तो आपका टेम्परेचर कुछ भी होगा वो पॉइंट में आएगा, 30.5, 29.8 ऐसा फ्रैक्शनल वैल्यू में आएगा। इसके बाद तीसरा है फिल्टर टाइम कांस्टेंट। ये क्या है कि जो आप टेम्परेचर देखना चाहते हैं वो कितने कितने सेकंड में वो उसे काउंट करेगा, तो ये एक फिल्टर टाइम कांस्टेंट है, तो इसका ये ज़्यादा यूज़ नहीं है, इसलिए ये 1 सेकंड में आपका ओके। बायस में 0.0 ही रखना है आपको। उसके बाद है सेट पॉइंट हाई लिमिट। सेट पॉइंट हाई लिमिट में आपको वो वैल्यू डालना है जो आपके सेंसर का हाई वैल्यू है, इट मींस उसका हाई रेंज क्या है। उसी तरह सेट पॉइंट लो लिमिट में वो वैल्यू डालना है जो आपके सेंसर का लो रेंज क्या है, मतलब आपके आरटीडी का कितना से कितना, जैसे PT100 -20 से 850 लाइक दिस इज, तो -20 मेरा लो लेवल हो गया और लो लिमिट हो गया, और 850 मेरा हाई लिमिट हो गया। उसके बाद है लॉक कोड। आपका ये टेम्परेचर बाई डिफॉल्ट मीटर, टेम्परेचर मीटर जो बाई डिफॉल्ट में 0 से खुलता है, उसी तरह आप लॉक कोड बदल सकते हैं। और लास्ट में है रिसेट। रिसेट वो बटन है जो अगर आप इसे यस करते हैं तो जो भी पैरामीटर आप चेंज किए हैं पूरे मीटर में वो सभी डिफॉल्ट वैल्यू में चला जाएगा। आई होप यू लाइक द वीडियोज़, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ओके माई चैनल।